अहिला, या तो कोई है। अगर इसको थोड़ी भी खनक आई ना कि अपन यहाँ पे क्यों आयला है, कटले यहाँ से। लेकिन ये फूल तरु यहाँ पे क्या कर रहा है? वो भी इस पोज में, टेरेस पे। चल देखते क्या कर रहा है। ए बॉस, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये क्या टाइटेनिक का जहाज है? Who are you, man? What do you want? No, 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 man, नहीं। I boy, boy। हाँ, whatever। तुम यहाँ के क्लीनर हो क्या? नहीं साहब, क्लीनर नहीं। तुमका लाइफ इज क्लीन बोर्ड हो गया है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? लगता हवा खाने आए है ना? हाँ, शायद सही है, आखिरी बार। अच्छा, तुम भी अपुन के माफिक जिंदगी से बेजार होके यहाँ पे। कहने का मतलब, तुम अच्छा खासा मालदार पार्टी लग रहे है ना सब, तो ये फिर क्यों जान देने के पीछे पड़े हो? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी अपुन को अपना काम फिनिश करने का है। पहले तुम या मैं? अच्छा अच्छा ठीक है, अपुन जाते हैं पहले, तुमको भी हिम्मत आएगी ना। बंद करिए तेरा बकवास। मैं यहां पहले आया था, पहले मैं। अरे बॉस, गरम क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, मारूड़ी। आज ही करेगा ना? क्या नारियल लाओ? पहले तुम के चक्कर में जिंदा आइला। ये कौन है जलपरी? हटो, मुझे जाने दो। तिच्चा माइला, आज क्या नेशनल आत्महत्या दिन है क्या? क्यों, मरने का लाइसेंस सिर्फ तुम्हारा है क्या? इतने छोटे से हो फिर, और ये जनाब तो अच्छे खासे लग रहे हैं, फिर क्यों? ये सब छोड़िया ना मैडम, अपनी कहानी बताइए ना। मरने से पहले दिल हल्का हो जाएगा। दिल हल्का करके क्या अचार डालूं मैं? अब तो बस अंत है हर सबर का। कौन हूँ मैं, क्या है मेरा वजूद? जिस माँ बाप ने मुझे आज तक पाला वो मेरे असली माँ बाप नहीं है, और मुझे ये आज पता चल रहा है। और जो असली थे उन्होंने मुझे कूड़ा समझकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। क्यों जीऊँ मैं? नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी। इतना अच्छा फेस है, फिल्म की हीरोइन बनने का ना? बस नाम मत लो हीरोइन बनने का, वहां पर भी वजूद ही चाहिए। किसी बड़े स्टार की बेटी या बहन या कोई गॉडफादर। चलो हटो, मुझे जाने दो। हेलो हेलो, प्लीज मेरा फोन उठाओ, एक बार मुझे माफ कर। अब ये कौन है? प्लीज एक बार मेरा फोन उठाओ, प्लीज प्लीज मुझसे बात करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस बहुत हो गया। अरे छोड़ो मुझे, नहीं जीना मुझे, मुझे कोई नहीं प्यार करता, मुझे कोई नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। रुको, क्या कर रहे हो तुम? ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, यहाँ से मरने के चांसेस थोड़े कम है, वहां ऊपर 100% चांस है। छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, माना तुमसे गलती हुई,
पर इससे सुसाइड करने से समस्या का अंत होगा क्या? वाह वाह, जैसे कि तू यहाँ पे टेरेस पे जॉगिंग करने आई ली ना। क्या तुम भी? मैं भी क्या, हम सब भी, हम तीनों भी। आपके पास तो सब कुछ है, आपकी तो ऐश वाली जिंदगी है, ये सुन सुन के मैं पक गया। क्या होती है अच्छी जिंदगी। 16 साल का बेटा खोया एक्सीडेंट में, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे एडमिट नहीं किया, सब कुछ डूब गया। लेकिन अब बिजनेस में इतना बड़ा घाटा, इतना कमाया लेकिन एक ही झटके में सब पैसा गया, और कर्जा सर पे हो तो सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा है जीवन में। इसलिए आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे लिए। मुझे तो लगा मेरी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, पर यहाँ तो एक से बढ़कर एक। मैंने भी बहुत कोशिश की इस बेवजूद जिंदगी में अपना वजूद ढूंढने की। क्या क्या नहीं किया, फैशन, ड्रग्स, पेस्ट्री पार्टीज, दारू, यहाँ तक कि हीरोइन बनने के लिए अपनी आत्मा, पर कहीं वो वजूद, वो सुकून नहीं पाया। वजूद तो था, एक बड़े बाप की बेटी भी थी नाम के लिए, फिर एक बड़े आदमी की पत्नी बनी, लेकिन अपनापन, वही पाने के लिए अफेयर के बाद अफेयर। पर ना वो मेरे हुए और ना मेरे पति। मैं अपनेपन के लिए भूखी ही रह गई। अपुन भी ड्रग्स किया, मारपीट की, लोफरगिरी भी की, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। उद्देश्य तो बहुत था, बड़ा आदमी बना भी, मगर क्या फायदा, किसी भी चीज की कोई सुरक्षा नहीं। दलाल स्ट्रीट, सनसेक्स बुल, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ एक चीज की गारंटी है बॉस, यहां से कूदेगा ना सीधा ऊपर ही जाएगा। क्या सोच रहे ले? चले। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो एक एक करके नीचे आओ, चलो चलो जल्दी नीचे आओ। चलो अभी नीचे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो चले, मरने आए थे, चलो अब जेल की हवा खाते। आओ सब लोग। कितने खुदगर्ज हो तुम लोग, तुम लोगों ने एक बार भी इस मॉल के बारे में नहीं सोचा। कितने जीवन जुड़े हैं इस मॉल के साथ, कितने परिवारों का घर चलता है। तुम्हारे इस कदम से या तो ये मॉल लॉस में जाएगा या बंद ही हो जाएगा। वीरा जो यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी बीबी को कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है। ये नौकरी की अच्छी तनख्वाह की जरूरत है उसे। और घनश्याम काका, वो यहां पे सफाई करता अपनी बीवी के साथ, उनका बेटा अपंग है और बेटी विधवा।
ऐसे हजारों लोग हैं इस मॉल से जुड़े हुए और तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। वैसे जो चीज तुम लोगों को चाहिए वो इस तरह आत्महत्या से तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, पर एक नाम है जो तुम्हारी गहरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, वो नाम है यीशु मसीह। ओ वो, उनके बारे में कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया था हमको। उनके बारे में सिर्फ जानना और उनको व्यक्तिगत रूप से जानने में बहुत अंतर है। ये एक रिश्ते के बारे में है, कोई धर्म नहीं है। पवित्र बाइबल कहता है कि हम सब जन्म से ही पापी हैं और हमारा परमपिता परमेश्वर से रिश्ता टूटा हुआ था। ये रिश्ता जुड़ना जरूरी है, ये अनंत जीवन का मुफ्त वरदान है। तुम्हें ये अच्छे कामों से नहीं मिल सकता। पवित्र बाइबल कहता है परमेश्वर ने हम सब से, इस जगत से, हम सब से इतना प्यार किया कि उसी के आधार पर यीशु को भेजा है कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरे। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ। वो जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीहा। अब जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करेगा उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और वो अनंत जीवन पाएगा। ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, हकीकत तो कुछ और ही है। जिसका वजूद ही मिट जाए तो वो फिर किसके लिए जिए? आओ मैं तुम लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ बाइबल से। कभी कोई वजूद नहीं था समाज में, लेकिन यीशु के प्यार और क्षमा के कारण वो परमेश्वर की संतान बनी। क्या यीशु मुझे अपनापन दे सकता है, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत? बहुत गलतियां की है मैंने। और एक सच्ची कहानी सुनो। यीशु वहां सामारिया में एक कुएं के पास जा बैठे जहां वो सामरी औरत पानी निकाल रही थी। तब यीशु ने बातों में उससे कहा कि उनके पास ऐसा पानी है जिसे पीकर वो कभी प्यासी नहीं होगी। औरत ने समझा वो सामान्य पानी की बात कर रहे हैं, पर यीशु ने कहा अगर तुम जानती तो मुझसे मांगती और मैं जीवन जल देता जिससे पीकर तुम कभी प्यासी नहीं होती। फिर यीशु ने उस औरत को चौंका दिया उसके जीवन का रहस्य बताकर। जब उसने बताया कि उसके 5 पति रह चुके हैं और वो जिसके साथ रहती है वो उसका पति नहीं है, वो औरत अचंभित हुई। उसने सुना था मसीहा आएगा, तब यीशु ने उससे बताया मैं वही हूं। तब उस औरत ने विश्वास किया। उस औरत ने प्यार और अपनापन पाने के लिए इतने सारे पति कर लिए थे, पर यीशु को पाकर उसे सच्चा प्यार मिला। अगर भगवान है, यीशु है, तो ये क्यों खाली खोपड़ी दिया जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है? 5 बार फेल हुआ। आपके लिए भी कुछ है। यीशु के पीछे पीछे लोगों की भीड़ शहर से दूर। विश्वास नहीं होता। अगर वो 5 रोटी और 2 मछली के साथ ये सब कर सकता है तो उसकी अद्भुत शांति और आनंद तूफानों में भी तुम्हारे साथ बनी रहेगी। ये सब तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे, लेकिन जिसका सब कुछ खो गया हो उसे क्या दे सकते हो? एक आखिरी सच्ची कहानी सुनो जो आप सबकी गहरी जरूरतों के बारे में है। जब तक यीशु उनके नाव में नहीं आया उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिली। शिमोन पीटर जो एक मछुआरा था उसके नाव में यीशु जा बैठा। उस दिन पतरस ने कोई मछली नहीं पकड़ी थी। तुम्हें शांति मिले। आपको भी स्वामी। तुम्हारी नाव में आ सकता हूं शिमोन? क्यों नहीं, यीशु हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं ना?
स्वामी हमें कुछ बताइए। हमें कुछ बताएं। प्रभु यीशु हमें उपदेश दें। आज तक तुमने यीशु को अपने जीवन की नाव में नहीं बुलाया ना? क्या करना चाहिए हमें यीशु का प्यार और क्षमा पाने के लिए? ये हुई ना बात। सबसे खुश खबर तो ये है कि विश्वास और अंगीकार के अलावा कुछ नहीं करना है। पवित्र बाइबल कहता है अच्छे काम हमें क्षमा और अनंत जीवन नहीं दे सकते। सिर्फ यीशु मसीहा ने जो क्रूस पे किया है उस पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करने से ये एक मुफ्त वरदान है जो तुम्हें मिलता है। यीशु ने कहा तू मेरे राज्य को ढूंढ, सत्य को खोज और तेरी सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। कभी उनको खोजा आप लोगों ने? कोई बात नहीं, जब तक जीवन है ये चांस है आप लोगों के पास। इतना आसान है सभी प्रॉब्लम सॉल्व करना? यीशु को अपने जीवन में अपनाने से जीवन की सारी समस्याएं एकदम से नहीं चली जाएगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन जब यीशु तुम्हारे जीवन में आएगा तो वो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें विजय दिलाएगा। उसकी अद्भुत शांति और आनंद तूफान में भी बनी रहेगी। तो विश्वास करना है कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और वो तीसरे दिन जीवित हुआ ताकि हमें अनंत जीवन का वरदान प्राप्त हो सके। अगर आप लोग यीशु में पूरे दिल से भरोसा करने के लिए तैयार हो है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए आमेन आमेन। मुबारक हो। अब तुम सब परमेश्वर के अद्भुत परिवार के सदस्य बन गए हो। आज तुम्हारा परमेश्वर के साथ कोई धर्म नहीं परंतु एक जीता जागता रिश्ता है यीशु मसीह के द्वारा। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए तुम एक बाइबल सिखाने वाली कलीसिया से जुड़ जाओ।
तुरंत। तैयार हो जाओ एक अद्भुत सफर के लिए, इस जीवन में और अनंत काल में भी यीशु के साथ। याद रखना, दुनिया की चीजों में अब ढूंढना छोड़ो, यीशु ही एकमात्र स्रोत है तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से बहुत भारी बोझ हट गया है, मानो जीवन जल मुझ में बह रहा हो। हाँ, मुझे भी पहली बार अपना महत्व परमेश्वर के लिए समझ में आ रहा है, मानो कोई पर्दा मेरी आंखों से हट गया है। अपुन निकम्मा नहीं है, परमेश्वर के नजर में अपुन के लिए महत्व है और उसके पास अपुन के लिए उद्देश्य भी है। निराशा की जगह एक आशा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वो मेरी मदद करेगा। यीशु, थैंक यू सो मच मिस्टर। अरे वो कहाँ गया? अरे अरे अभी इधर तो था। कहाँ गया ये? कहाँ गया वो? इधर गया। अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया ये? अहिला, कहाँ गया वो? कहीं ये पुलिस को बताने तो नहीं गया कि हम लोग यहाँ आत्महत्या करने आए थे? चलो छोड़ो ये सब, नीचे जाके मॉल में देखते हैं कहाँ गया वो। हाँ चलो। तुमने सेकंड फ्लोर देखा? हाँ मैंने देखा, लेकिन तुमने देखा फर्स्ट फ्लोर? दोनों ने ग्राउंड फ्लोर चेक किया, हम वो वहां भी नहीं है। पता नहीं, कमाल है यार, पूरे मॉल में ढूंढ लिया, उस सिक्योरिटी गार्ड का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जा कहां सकता है वो? चलो अपन जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पूछ के आते हैं कि वो ऊपर आया तो वो कौन था। हाँ ठीक है। कहां गायब हो गया? हाँ अजीब बात है ना, उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी ना। हाँ यार, उसने तो हमारा नजरिया ही बदल दिया, उसकी बातें दिल को छू गई। क्या वो मिला? अपुन गया था वहां पर, लेकिन वो बोलते हैं कोई व्हाइट वर्दी वाला है ही नहीं, ना कोई भूरी भूरी आंख वाला। तो वो कौन था? मुझे पता है वो कौन था, यीशु मसीह, जो सिक्योरिटी के रूप में आए थे। इसलिए जब वो बात कर रहे थे ना, दिल में एक सुकून सा मिल रहा था। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे लिए आए थे। वो सच्चे में अपुन के लिए आया था, अपुन को रोकने, अपुन को बचाने आया। वो अपने से कितना प्यार करता है, अपुन को उद्देश्य भी दिया। वो अपुन का सच्चा दोस्त है। तो आज से हम सब दोस्त। अरे यीशु मसीह में। अच्छा अपुन भी? मैं भी। तो मैं भी, जिंदगी भर के लिए। यस। तेरे बिन मैं कुछ भी। Yeah.